अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक अनदर ब्लॉग। बालों को लंबा करना बहुत मुश्किल काम समझते हैं कुछ लोग, लेकिन ये मुश्किल काम नहीं है, थोड़ी सी मेहनत लगती है, केयर करना पड़ती है बालों को लंबा करने के लिए। आज की वीडियो में जो मैं आपको रेमेडी बताऊंगी, उस रेमेडी को आप यूज़ करेंगे तो आपके बाल बहुत तेज़ी से लंबे होंगे, फास्टर तरीके से, और ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होगा आपके स्कैल्प में। तो वो है गार्लिक और मेथी दाना। गार्लिक का यूज़ तो आप जानते ही होंगे, गार्लिक के इस्तेमाल से ब्लड सर्कुलेशन बहुत फास्ट हो जाता है और जो हमारी सर की जो स्कैल्प पे खुश्की पपड़ी जो भी होती है वो सब हट जाती है और बाल तेज़ी से लंबा होना शुरू हो जाते हैं। और मेथी दाना की फ़वाद तो आप जानते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर मेथी दाना सोने के भाव भी आपको मिले तो आप लेकर उसे ख़रीद लें। इन दोनों को मिलाकर पेस्ट बनाते हैं। तो आप इस वीडियो में जानेंगे कि मेथी और लहसुन यानी गार्लिक, इन दोनों को इस्तेमाल करने से बालों को किस तरह से फास्टर तेज़ी से ग्रो किया जा सकता है। तो आइए वीडियो में देखते हैं और अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ ले लेंगे मेथी दाना और ऑलिव ऑयल और गार्लिक की कुछ फ्रेश कलियाँ, छिले हुए लहसुन, ठीक है। ये है मेथी दाना, इसको आप तकरीबन 2 चम्मच भर के ले लीजिए। और ये है फ्रेश लहसुन की कलियाँ, ठीक है। अगर आप ताज़ा लहसुन का रस निकालेंगे तो उससे आपके बालों की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगी। और इसके अलावा ऑलिव ऑयल हमें लेना है, कोई भी ब्रांड का आप ले लीजिए लेकिन हो प्योर, ठीक है। अब हम गार्लिक को ब्लेंड कर लेंगे, उसके बाद हम किसी भी स्टैंड के थ्रू इसका रस जो है ना वो छान लेंगे। थोड़ा सा हमें 2-3 चम्मच के बराबर ही चाहिए, आप अपनी बालों की लेंथ के हिसाब से 2-3 चम्मच लहसुन का जो अर्क है वो ले सकते हैं। हमें यहाँ बिल्कुल प्योर लहसुन का रस मिल गया है, अब ये 2-3 चम्मच ही निकला है वो मैंने ले लिया है, ठीक है। इसके बाद हमने मेथी दाने को बिल्कुल बारीक फाइन इसको पीस लिया है। और इसके बाद ये है एप्पल साइडर विनेगर, ये भी आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं लेकिन हो ओरिजिनल, ठीक है। अब हमने ये दोनों ले लिया, अब हमें खाली बाउल लेना है, उसमें हम अपने बालों की लेंथ के हिसाब से 3 या 4 चम्मच जितना भी आप चाहें अपने बालों के हिसाब से मेथी दाना जो आपने पीसा है वो ले लीजिए। मैं तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच लूँगी। और इसके अलावा ये हमें लहसुन का बिल्कुल प्योर रस चाहिए, वो मैं तकरीबन इसमें 3 चम्मच डालूँगी। इस रेमेडी को लेके आप बिलीव करें, आपके बाल इतनी तेज़ी से ग्रो होंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। इसके बाद तकरीबन 2 चम्मच मैं इसमें जैतून का तेल डालूंगी और इससे भी आपके बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। जिन लोगों के बालों में यानी स्कैल्प पर खुश्की होती है, एकदम पपड़ी जमी होती है, वो सब निकाल देता है जैतून का तेल और बहुत अच्छा तेज़ी से बालों को ग्रो करता है। इसके अलावा एप्पल साइडर विनेगर, ये तो बहुत अच्छा होता है बालों के लिए। बालों में जो बाल जैसे ग्रोथ होने के लिए लॉक हो जाते हैं, बालों की जड़ों को अनलॉक करता है और रीजेनरेट करता है। इसके अलावा ये स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को इतना फास्ट कर देता है कि आपके 1 नहीं 2 नहीं 3 गुना तेज़ी से बाल लंबे होना शुरू हो जाते हैं। इसको भी मैं तकरीबन 2 चम्मच ही डालूंगी और अच्छी तरह से इसे पेस्ट बनाने के लिए मिक्स करना शुरू कर दूंगी, ठीक है। ये देखिए कितना अच्छा सा फाइन पेस्ट बन गया है, मेथी दाना गार्लिक पेस्ट और ऑलिव ऑयल और चौथा क्या था, एप्पल साइडर विनेगर, ठीक है। अब इस पेस्ट को हम रखते हैं और अब मैं अप्लाई करूंगी यहाँ मुकद्दस के बालों पर। मुकद्दस के बाल मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से वॉश कर लिए थे, हमें ये अप्लाई करने से पहले बालों को अच्छे से क्लीन करना है, उनकी जड़ें बिल्कुल साफ़ सुथरे बाल होना चाहिए, ठीक है। और इसको आप थोड़ा थोड़ा सा लेने के बाद बालों को ऊपर से मांग कर करके खोलिए और अच्छी तरह से इसकी जड़ों में मसाज कीजिए, बहुत आहिस्ता आहिस्ता अपने फिंगर के थ्रू। किसी ब्रश की ज़रूरत नहीं है, आप अपने हाथों से थोड़ा थोड़ा सा पेस्ट लेने के बाद बालों में इसे अप्लाई करते रहिए और इसी तरह पूरे सर में आप थोड़ा थोड़ा सा लेकर अप्लाई कर दें। जैसे देख रहे हैं आप, मैं कर रही हूँ इस तरह मुकद्दस के बालों में, आप इसी तरह से थोड़ा थोड़ा सा लेकर सारे स्कैल्प में अच्छी तरह से इसे अप्लाई कर दीजिए और फिंगर्स के थ्रू इसे बहुत अच्छे से पूरे सर में मसाज कीजिए। आप देखेंगे आपके बाल बहुत तेज़ी से ग्रो होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जिनके बाल बहुत अर्ली एज से ही वाइट होना शुरू हो जाते हैं, उनके भी बाल यानी ब्लैक होना शुरू हो जाएंगे इस गार्लिक की हेल्प से। गार्लिक बहुत फ़ायदेमंद है। इस रेमेडी को यूज़ करने से पहले आप अपने बालों की लेंथ ज़रूर नाप लीजिएगा और उसके बाद ये स्टार्ट कीजिएगा। देखिएगा 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद
आपकी जो लेंथ है बालों की वो तेज़ी से ग्रो करना शुरू हो जाएगी, आप ये ज़रूर अंदाज़ा लगाइएगा, ठीक है। और इसके बाद ऐसा ऐसा फुल हेड पे आप मसाज कीजिए अपने हाथों से, जितने भी आपने ये पेस्ट लगाए वो पूरे बालों में अच्छी तरह से इक्वल लग जाए, तो फिर उसके बाद ही आप इसे अच्छी तरह से फोल्ड कर दीजिए, ठीक है। तकरीबन आधा घंटा या एक घंटा आप इसे इसी तरह अपने बालों में लगा रहने दीजिए और उसके बाद आप इसका रिज़ल्ट देखिएगा। अब मैं मुकद्दस के बालों को अच्छी तरह से फ़ोल्ड कर दूंगी। आप चाहें तो शावर कैप भी पहन सकते हैं। मैं इसी तरह इसको फ़ोल्ड करके और इसे तकरीबन 45 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ दूंगी। उसके बाद इसका सर वॉश करके फिर मैं आपको रिज़ल्ट दिखाती हूँ। और अगर आपको इसके रिज़ल्ट दिनों में चाहिए तो आप इसको ओवरनाइट भी लगा सकते हैं और इसी तरह लगा के शावर कैप पहन कर सो जाइए, सुबह उठकर आप अपना सर वॉश कर सकते हैं। ये तो देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे से रिज़ल्ट आए हैं और कितने बाल शाइन कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, इस रेमेडी को इस्तेमाल करके आप भी अपने बाल एक नहीं दो नहीं तीन गुना तेज़ी से लंबे कर सकते हैं और अपने बाल हेल्दी बना सकते हैं। तो इस रेमेडी को ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा और बेस्ट रिज़ल्ट के लिए हफ्ते में दो बार ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। इसका रिज़ल्ट आपको एक हफ्ते में ही मिलना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रही हो। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ एक अच्छी सी वीडियो के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अपनी हेल्थ का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त मेरी जानिब से। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। बाय बाय।